निमराना क्षेत्र में डीएसपी लोकेश मीणा ने देर रात कार्यवाही करते हुए सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। यहां एक होटल में चार युवकों सहित दो लड़कियों को भी गिरफ्तार किया गया है। निमराना पुलिस उपाधीक्षक लोकेश मीणा ने बताया कि हमें पिछले कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि निमराना क्षेत्र के हाईवे पर बने होटलों में ऑन डिमांड लड़कियों की सप्लाई का धंधा चल रहा है, जिस पर उन्होंने रणनीति बनाते हुए सिपाहियों को बोगस ग्राहक बनाकर उनके पास भेजा और होटल मालिकों से लड़कियों की मांग की गई। उनमें से एक दलाल ने लड़कियां देने की हां भरी, जिस पर एक पर्टिकुलर होटल में बुलवाया, जिस पर वो तैयार हो गए और दलाल अपने साथी सहित दो लड़कियों को लेकर वहां पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उन्होंने पूछताछ में बताया कि यादव गेस्ट हाउस पर यह काम होता है, जिसमें वहां से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार चारों लोगों ने कबूला है कि वो इस मामले में संलिप्त हैं और इनसे क्षेत्र में अन्य लोगों के बारे में भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। जो लोग ये गलत काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। डीएसपी ने कहा कि पुलिस का मकसद है कि इन सभी लोगों को इस क्षेत्र से हटाया जाए ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। गौरतलब है कि पिछले साल भी यादव गेस्ट हाउस पर पुलिस ने छापा मारकर आधा दर्जन लड़कियों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इस क्षेत्र के बहरोड निमराना शाहजहांपुर में दिल्ली हरियाणा बंगाल आसाम से लड़कियां लाकर क्षेत्र में वेश्यावृत्ति कराई जाती है। जानकारी के अनुसार बहरोड और निमराना शाहजहांपुर क्षेत्र में होटलों में दिल्ली हरियाणा बंगाल आसाम से लड़कियां लाकर क्षेत्र में वेश्यावृत्ति कराई जाती है। इस मामले में पुलिस पहले भी कई बार कार्यवाही कर चुकी है। हमें काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी इलाके में हाईवे के आसपास के होटलों में और कुछ लोग लड़कियां रखते हैं और ऑन डिमांड लड़कियां भेजते हैं। तो हमने रणनीति बनाई, मेरे कार्यालय के दो सिपाहियों को बोगस ग्राहक बना के लड़कियों की डिमांड करी। तो यहां पे जो जिनकी शिकायत मिल रही थी उन लोगों में से एक उसने दलाल ने लड़कियां देने के लिए एग्री हुआ और हमने दो लड़कियों पर्टिकुलर होटल पे बुलवाया, उसको वेन्यू दिया, वो तैयार हो गए। वहाँ दो लड़कियों को लेके दलाल और उसके सहायक और साथी दोनों सहयोगी हैं वो आए हैं। हमने दो लड़कियों को गिरफ्तार किया। उन्हीं की सूचना पे पैरेलली एक अन्य जगह पे जो कि यादव गेस्ट हाउस के नाम से यहाँ है, तो वहाँ भी इसी तरह की वेश्यावृत्ति की शिकायतें मिल रही थी। इसके सूचना पे वहाँ दबिश दी तो वहाँ भी दो लोग मिले जिन्होंने स्वीकार किया। Oh.